हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरोही और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ए और डी के कपल के बारे में कि आखिर ए और डी कैसे कपल होते हैं, इनके बीच में आखिर इतनी अच्छी स्ट्रांग बॉन्डिंग कैसे होती है और ये एक दूसरे के लिए कितनी अच्छे कपल साबित होंगे, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी, बहुत सारे राज भी खुलेंगे। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। अभी तक तो आपने ना सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही दिया होगा, अगर नहीं दबाया तो दबा लो ना, और बेल आइकन टिंग टोंग वाली वो घंटी उसको भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशंस बहुत सारी चीज़ों पे मिलती रहे आपको। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आज हम ए और डी के सारे राज खोलने वाले हैं। तो चलो रेडी हो जाओ ए नाम और डी नाम वालों के जानने के बारे में कि क्या है इनके राज। ए नेम वाले लोग तो काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होते ही हैं, थोड़े शाय भी होते हैं, लेकिन शर्मीले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं और ये अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी दिल जिगर जान सब आपके कुर्बान। तो ऐसे कुछ इनकी थॉट होती है, हमेशा अपनी फैमिली की काफ़ी केयर करते हैं, जिससे प्यार करते हैं बस उसी से प्यार करते हैं। इनका दिल काफ़ी बार टूटा होता है लेकिन फिर भी ये जिसको भी अपने दिल पे जगह देते हैं, अपनी ज़िंदगी बस उसके नाम कर देते हैं, इतने अच्छे होते हैं ये प्यार के मामले में। अगर हम बात करें डी नेम वालों की तो डी डिस्कवर, इनकी लाइफ फुल ऑफ डिस्कवर होती है, हर एक दिन इनके लाइफ में कुछ नया सा होता है और ये नया करने में बिलीव भी करते हैं, हमेशा इनको डिस्कवरी करनी होती है, अपने लाइफ को एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पे ले जाना इनको पसंद है। ये सक्सेस भी करते हैं और सक्सेस में दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, ये काफ़ी सपोर्टिव नेचर के होते हैं और अगर एज अ पार्टनर देखा जाए तो सपोर्ट की ज़रूरत तो हर एक इंसान को होती है, और अगर देखा जाए तो बेस जो है रिश्ते का वो हमेशा से होता है सपोर्ट। तो ये ए नाम वाले को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट एंड केयरिंग के मामले में दोनों में तो ये अच्छे होते ही हैं, यानी दोनों कपल एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट, एक दूसरे के लिए समर्पित और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। लेकिन यहाँ पे बात है अगर डी नेम वालों की, तो डी नेम वाले कभी कंफ्यूज नहीं होते, अगर उनको जिससे भी प्यार है, जिनको भी वो पसंद करते हैं और उनको एक्सेप्ट करने में ये देरी बिल्कुल नहीं लगाते और ना ही कभी इग्नोर करते हैं, ये जिसको भी चाहते हैं उससे कंफर्म होते हैं कि हाँ हम आपको चाहते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, ये लव लाइफ के मैटर में कन्फ्यूज़ नहीं होते। लेकिन वही बात की जाए तो ए नेम वालों की, तो ए नेम वाले श्योर तो होते हैं लेकिन उनमें थोड़ी सी झिझक होती ही है, क्योंकि ये काफ़ी सोचते हैं, हमेशा देखते हो सोचते रहते हैं, थोड़ा कम सोचा करो ना अच्छा होगा। उससे अच्छी बात यह है कि जब वो ज़्यादा सोचने लगते हैं तो कई बार हो जाता है कि उनके पार्टनर उनसे काफ़ी थोड़े गुस्से भी हो जाते हैं, क्योंकि अपने पार्टनर को कभी हमेशा से आगे सबको बताना नहीं चाहते, ये अपनी पर्सनल लाइफ को सेफ पर्सनल रखना चाहते हैं, कभी किसी से कुछ बोलेंगे ही नहीं कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या है। और वहीं डी नेम वाले ये हमेशा से उम्मीद रखते हैं कि उनके जो पार्टनर है वो हमेशा मतलब उनको आगे दिखाए, बताए कि वो उनसे प्यार करते, दुनिया के सामने हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करे, बताए, ऐसी उनकी चीज़ होती है, काफ़ी चीज़ें पर्सनल नहीं रखते वो, स्पेशली लव लाइफ के बारे में। और कहा जाए तो वो एक दूसरे के लिए काफ़ी क्लोज भी होते हैं और डी नेम वाले अपने लव के लिए कुछ भी करते हैं कि देखा गया है। ए और डी नेम वालों के बीच में एक चीज़ काफ़ी कॉमन होती है कि वो एक दूसरे के लिए काफ़ी समर्पित होने के साथ मनमौजी भी काफ़ी होते हैं, अपने मन की करने की इनको बस छोड़ दो ना, आज़ादी दे दो, आज़ादी इन्हें चाहिए ही चाहिए, मनमौजी बहुत होते हैं, ये दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इनके बारे में इन्हें लोगों की बात सुनना पसंद नहीं होती, और ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई भी सिचुएशंस में खुद को हैंडल करना समझते हैं, लोगों से ये थोड़े दूर ही रहते हैं, वो नेगेटिव पर्सन्स वाले लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, और वहीं ए नाम वाले थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये सोच आप निकाल दो तो आप दोनों की कपल जो है वो जोड़ी काफ़ी फैंटेस्टिक होगी। तो इतनी अच्छी जोड़ी है इन दोनों की, दोनों अट्रैक्टिव चार्मिंग काफ़ी अच्छे होते हैं और समर्पण इनमें काफ़ी एक दूसरे के लिए होता है, ये फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, फैमिली को लेके चल रहे हैं, तो एज अ कपल ये सारी क्वालिटीज़ इन दोनों में होती है। समझ तो डी नेम वालों में कहा जाए तो ये अपने पार्टनर को ज़्यादा ही समझते हैं, तो ऐसा देखा गया है
और गुस्सा भी इनमें बहुत ही कम होता है, गुस्सेल नेचर के नहीं होते। और ए मी वाले थोड़ा गुस्सा कहते हैं, तो गुस्सा अगर कंट्रोल किया जाए तो इन दोनों में बैलेंस अच्छा हो जाएगा। ऑलमोस्ट अगर के देखा जाए तो ऑल इन ऑल ये दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छे कपल प्रूव्ड हुए हैं। जैसे कि आप बॉलीवुड की एक जोड़ी को तो जानते ही हो, जो कि हमारे मिस दीपिका पादुकोण जी और हमारे मिस्टर रणवीर। तो मिस्टर एंड मिसेस दोनों कितने अच्छे हैं, आप इनके कपल के बारे में तो जानते ही होंगे। और ए नाम से भी अगर देखा जाए तो ए नाम से भी काफ़ी अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे साबित हुए हैं। तो ए और डी और आर की भी जोड़ी काफ़ी अच्छी होती है, ए और डी की भी जोड़ी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत सारी जोड़ियाँ हैं जो अच्छी होती है। और रब ने बना दी जोड़ी तो वो जोड़ी तो अच्छी होगी ही। चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी और कितने सारे राज आपको पता हुए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आपके लिए ए और डी की जोड़ी बहुत अच्छी होगी, जल्दी से शादी कर लो।